नमस्कार फ्रेंड्स, आप भी मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिस्टिक मीडिया रूल के बारे में। आर्टिस्टिक मीडिया रूल का शॉर्टकट है आई, तो हम सेलेक्ट करते हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल और इसमें पहला ऑप्शन है प्रीसेट का। जैसे प्रीसेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ ऑप्शन ओपन हो जाता है, यहाँ से आप इसका यूज कर सकते हैं। फ्री है, फ्री हैंड है, जैसे चाहें आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ब्रश का है, यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करेंगे तो इसमें कुछ ऑप्शन ओपन और हो जाता है, यहाँ से आप इसका यूज करें, इसको सेलेक्ट करें और फिर ब्रश को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको हम चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका यूज कर। अगला ऑप्शन है स्टाइलर का, यहाँ से आप ये अलग अलग डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। से अगला ऑप्शन है कैलीग्राफिक्स का, यहाँ से आप इस लाइन की मोटाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम कम बढ़ा रहे हैं साइज तो ये बढ़ रहा है, और फिर यहाँ से माउस प्रेस करते हुए नीचे के साइड लाएंगे तो ये लाइन की मोटाई कम हो जाएगी। ये ऑप्शन है एंगल का, यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हैं। जैसे 45 है तो मैंने 60 कर लेता हूँ, तो ये जो एंगल है वो रोटेट हो रहे हैं, इसी प्रकार से इसका यूज भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्केल स्ट्रोक विथ ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे सेलेक्ट करेंगे इसमें कुछ पॉइंट ओपन हो जाएंगे और इस पॉइंट से आप स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से जैसे चाहें। दोबारा से समझते हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर यहाँ से स्ट्रोक बढ़ाते हैं। इन सभी ऑप्शन का यूज आप इफेक्ट मेनू में जाएं, आर्टिस्टिक मीडिया रूल सेलेक्ट करें, उसका पैनल ओपन हो जाएगा, यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं। पहले हम इन सब को डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ से इसका यूज कर रहे हैं तो ये जो लास्ट यूज है वो शो कर रहा है, और ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसमें सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं, आप इसका यूज करें। तो पहले हम एक तो हम इस स्ट्रोक को सिलेक्ट करेंगे और हैंड राइटिंग की तरह कुछ लिखेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और भी अच्छे अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। ये एक एग्जांपल है। तो अब हम एक टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं और उस पर अप्लाई करके देखते हैं। इसको बाहर कर दे रहे हैं और टाइप करते हैं कुछ फॉन्ट को हम थोड़ा मोटा कर ले रहे हैं, तो हम टेक्स्ट को कंट्रोल क्यू से कर्व कर लेते हैं और फिर स्ट्रोक यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं, इसमें जो भी अच्छा लगे आपको उसका यूज आप कर लें। तो फ्रेंड्स, स्ट्रोक का यूज करके भी आप डिजाइन बना सकते हैं टेक्स्ट में। रेक्टेंगल ड्रा करते हैं और स्ट्रोक सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये बॉर्डर में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसी प्रकार इसको कोई भी जो भी अच्छा लगे आपको वो चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी आप चेंज कर लें, या फ्री इसका यूज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पर इसका यूज करें, या हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं सीधे सीधे अगर यूज करना है तो इस प्रकार से इसका यूज कर लेंगे। बल्ब है और यहाँ
ये सब बहुत कुछ सारे तरीके से इसमें डिज़ाइन दिए हुए हैं, इसका आप यूज करें। और तो मैंने एक लाइन ड्रा किया और इस पर अप्लाई किया, और फिर इस लाइन को घुमा सकते हैं इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मीडिया टूल का यूज़ करके आप बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। ये एक एग्जांपल था दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।